जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजालता में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिरकत की और ये शिरकत उन्होंने डीडीसी शमीम बेगम के इनविटेशन पर की। यहाँ पर क्या हुआ वो जानने के लिए देखते रहिए ये रिपोर्ट। वेलकम करने स्वागत करें जोरदार ताली जरूर देना देगा वो थोड़ा साइड पे साइड पे अंजी भैया साइड पे आइए देखो देखो कौन आया शेर आया देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया बोलते बोलते आ गया शेर ऊपर आ गया नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब उमर अब्दुल्ला साहब आगे बढ़ो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल गुजारिश करूंगा चौधरी रहमत अली से कि वो आए और उमर साहब का वेलकम करें। चौधरी रहमत अली जी हमारे बीडीसी के चेयरपर्सन हैं, ये वेलकम करेंगे। आइए चौधरी रहमत जी। मलिक साहब, बाबू रामपाल जी, जितने भी स्टेज पे बैठे हैं और सबसे ज्यादा जो मेरे साथी लोग गरीब आए हैं। कुछ हफ्ते पहले जब श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान हमारे आज के मेजबान शमीम वहां पे आई, उन्होंने कहा आपका एक जलसा रखना है, बहुत दिनों से जलसा हुआ नहीं, आप आइए, वर्करों की हौसला अफजाई होगी। मैं अपनी जगह सोच रहा था कि पिछले दो तीन साल में खासकर जो जम्मू के निचले इलाकों में जो हालात बने, पता नहीं जलसा होगा नहीं होगा, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इनकी चाहत थी कि प्रोग्राम हो। पहले तो मैंने इनसे कहा था कि अब रोजे आने हैं, रोजों के बाद करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत जोर किया, कहा नहीं जनाब, रोजों से पहले ही प्रोग्राम होना चाहिए। इनका जोश जज्बा देख के मैंने कहा ठीक है, आप रखिए, आप बताइए कब करना है। कहा आप 20 तारीख को आ सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। सच मानो तो मुझे नहीं लगा था कि इतना कामयाब प्रोग्राम होगा जितना कामयाब प्रोग्राम मुझे आज दिख रहा है। बहुत से अफवाहें डाली गई,
बहुत से हमारे साथियों को तंग किया गया ये तासुर देने के लिए कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मरमिट गई है। कहते थे कि शायद कश्मीर में इनका एड्रेस मिलेगा, अगर ढूंढोगे तो कहीं पीर पंचाल चिनाब वादी में मत कहीं मिले, लेकिन पहाड़ियों से जब नीचे उतरोगे, जम्मू के प्लेन इलाकों में जब आ जाओगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एड्रेस शायद मिलेगा नहीं। आज शमीमा ने, चौधरी रहमत साहब ने, आप सब जिन्होंने इस जलसे में काम किया, आपने साबित किया आज कि न सिर्फ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदा है बल्कि यहां जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कोई कमी नहीं आई, आए होंगे गए होंगे, आएंगे भी जाएंगे भी, लेकिन जो लोगों के तहत इस जमात के साथ मोहब्बत है वो किसी फर्द के साथ नहीं है, वो जमात के साथ है, जमात के असूलों के साथ है, जमात के झंडे के साथ है, जमात के एजेंडा के साथ है। देखा जाए तो जहां कश्मीर और जम्मू में फर्क काफी हैं, उनसे इंकार कोई कर नहीं सकता, मौसम के लिहाज से हो, रहन सहन के लिहाज से हो। आजकल एक चीज जो है दोनों तरफ में बराबर है, वो है लोगों की नाराजगी, लोगों की परेशानी, लोगों का दुख दर्द, लोगों में मायूसी। हालात देख के आज लोग परेशान हैं। मैं जहां जाता हूं वहां लोगों के चेहरों पर मैं मुस्कुराहट ढूंढने की कोशिश करता हूं, वो मुस्कुराहट दिखता नहीं। थोड़ी देर के लिए हम ऊपर ऊपर से हंसते हैं लेकिन अंदर अंदर से दिल में जो दर्द है, जो दुख है, जो परेशानी है, वो सुनाएं हम तो किसको सुनाएं? सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। जहां देखें लोग मायूस, जिनके पास जमीन का छोटा टुकड़ा, आज वो इस बात से परेशान कि कब हुकूमत का कोई ऑर्डर आएगा और हमें अपनी जमीन से अलग किया जाएगा। जिन जमीनों का मालिकाना हक बाबाए कौम जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहां के लोगों को दिया, उन जमीनों पे आज इन लोगों की नजरें हैं। बजाय ये कि यहां लोगों को पानी फराहम